गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 8, 7, 6, 5, 4, 3 क्लास तक के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी में दोनों में शब्द अर्थ, जिसे इंग्लिश में हम अपोजिट वर्ड्स कहते हैं, सिखाऊंगी। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे शब्द क्या दे रखा है। या आप लोगों को हार्ड, और हार्ड का मतलब क्या होता है? कठोर। तो इसका विलोम शब्द यानी अपोजिट क्या होगा? सॉफ्ट। और सॉफ्ट को हिंदी में क्या कहा जाएगा? मुलायम। सभी बच्चे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑनर। ऑनर का मतलब क्या होता है? सम्मान यानी रिस्पेक्ट। तो इसका अपोजिट क्या होगा यानी विलोम? डिसऑनर। डिसऑनर मतलब अपमान यानी डिसरिस्पेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम्बल। हम्बल मीन्स नर्म। इसका अपोजिट क्या होगा? प्राउड यानी प्राउड मतलब क्या होता है? घमंडी। आगे पढ़ते हैं हैप्पी। हैप्पी का मीन्स क्या होता है? प्रसन्न यानी खुश। इसका अपोजिट यानी विलोम क्या होगा? अनहैप्पी, जिसे हम सैड भी कहते हैं, यानी अप्रसन्न मतलब ना खुश। आगे पढ़ते हैं हाई। हाई मतलब ऊंचा। अब इसका अपोजिट यानी विलोम क्या होगा? लो। और लो का मतलब क्या होता है? नीचा। सभी बच्चे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हियर। हियर का मतलब क्या होता है? यहाँ। तो हियर का अपोजिट क्या होगा? डियर यानी इसका विलोम। और डियर का मतलब क्या होता है? वहाँ। हर्ट। हर्ट मतलब चोट लगना। अब इसका अपोजिट यानी विलोम क्या होगा? अनहर्ट, जिसे हम चोट ना लगना कहेंगे। सभी बच्चे से याद रखेंगे। आगे पढ़ते हैं ह्यूज। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा। अब इसका अपोजिट क्या होगा? टाइनी। टाइनी का मतलब छोटा। आगे पढ़ते हैं होप। होप मतलब आशा। अब इसका अपोजिट क्या होगा? डिस्पेयर यानी निराशा। आशा का विलोम क्या होगा? निराशा। हैवी। हैवी मतलब भारी। अब हैवी का अपोजिट क्या होगा? लाइट। और लाइट का मतलब क्या होता है? हल्का। नेक्स्ट पढ़ते हैं ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब अर्द्र या नम। नर्व यानी गीला। एरिड मतलब क्या होगा? उष्ण यानी सूखा। सभी बच्चे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंडोर्स यानी घर के अंदर। इंडोर्स का मतलब घर के अंदर। इसका अपोजिट क्या होगा? आउटडोर्स यानी घर के बाहर। नेक्स्ट पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। अब इसका अपोजिट देखते हैं अनइम्पॉर्टेंट यानी महत्वहीन, जो ज़रूरी नहीं है। आगे पढ़ते हैं इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान होता है। तो इंटेलिजेंट का अपोजिट क्या होगा? डल। और डल का मतलब क्या होता है? मंदबुद्धि। आगे पढ़ते हैं इनसाइड। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ। तो इसका अपोजिट क्या होगा? आउटसाइड यानी बाहर की तरफ। इन। इन का मतलब क्या होगा? अंदर। इनका अपोजिट क्या होगा? आउट यानी बाहर। आगे पढ़ते हैं जॉय। जॉय मतलब आनंद यानी मज़ा। तो इसका अपोजिट क्या होगा? सोरो यानी दुख। आगे पढ़ते हैं काइंड। काइंड मतलब क्या होगा? दयालु, जो तरस खाने वाले होता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? अनकाइंड यानी निर्दय, जो कठोर होगा। आगे पढ़ते हैं बच्चों नो यानी जाना हुआ। और अननो का मतलब क्या होगा? अनजान यानी नो का अपोजिट क्या होगा? अननोन। आगे पढ़ते हैं लव। लव मतलब प्रेम करना। लव का अपोजिट क्या होगा? हेट। और हेट का मतलब क्या होता है? घृणा करना यानी नफरत करना। लूज मतलब ढीला। तो लूज का अपोजिट क्या होगा? टाइट। टाइट का मतलब क्या होता है? कसा हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं लाइक। लाइक मतलब होता है पसंद करना। इसका अपोजिट क्या होगा? डिसलाइक यानी नापसंद कर। आगे पढ़ते हैं लाउडली यानी शोर से। लाउडली का अपोजिट क्या होगा? स्लोली। स्लोली का मतलब क्या होगा? धीरे। तो यहाँ से बच्चों अपोजिट वर्ड्स यानी जिसे हिंदी में